स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में हम यूनिट 5 तक कर चुके हैं। अभी मैंने आपको यूनिट 6 के जो यूनिट 6 है उसके वर्कशीट 1 के कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं। इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 6 का नाम है फ्रैक्शंस, ठीक है, वर्कशीट 1। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें है राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट, ठीक है। तो जैसे आपको इस तरह से पिक्चर दे रखी है, ठीक है, आपकी बुक में दे रखा है, आप एक बार देख लेना, मैं आपको समझा देती हूँ। तो इस तरह से जब हम इसे काउंट करेंगे बेटा तो कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। होल ये कितना है, 8, ओके। और शेडेड पार्ट यानी शेड कितने पे किया हुआ है इन्होंने, 1, 2, 3, ठीक है। तो जब हम इसे लिखेंगे तो जितना शेडेड पार्ट है 3 है तो वो ऊपर आ जाएगा, और होल कितना है बेटा, 8, तो अपॉन 8, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, 3/8। याद रखना, जितना शेडेड पार्ट आपको दे रखा होगा, अगर इसमें मान लो दो शेडेड होते, सिर्फ दो ही शेडेड होते, तब हम 3 की जगह पर 2 लिखते, ठीक है। और सपोज करो इसमें 8 की जगह पर 7 ही बॉक्सेस होते तब हम 7 लिखते। तो आपने ध्यान रखना है कि कितना होल है, कितना आपको दे रखा है होल, और कितना शेडेड है, ठीक है। तो जो शेडेड जितने पार्ट होते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं, और जो होल होते हैं, जो ये होल है कंप्लीट, इसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे आता है होल उसको हम बोलते हैं डेनोमिनेटर, ठीक है। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं हम अंश, और इसको बोलते हैं हर, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर इस तरह की दे रखी है, इनके पोर्शंस को अगर आप काउंट करोगे 1, 2, 3 तो आपके 8 ही बनेंगे, ठीक है। और शेडेड पार्ट को अगर आप काउंट करेंगे तो आपके बनेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यानी कि 4/8, ठीक है। और वो मैंने आपको बता दिया कि ऊपर जो होता है उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे जो होता है उसे हम डेनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। यानी ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। तो जितना पार्ट जो आपके शेडेड होंगे काउंट करके वो आपने ऊपर लिखना है, और जो होल कंप्लीट होंगे वो आपने नीचे लिखना है, ठीक है। इसी तरह आपको सी पार्ट दे रखा है, काउंट किए तो टोटल 16 थे, और जो शेडेड पार्ट वो 1, तो हमने आंसर लिखा 1/16, ठीक है। देन उसके बाद आपका सेकेंड, उसमें वो कह रहा है कि टिक द सेट ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस विद द सेम डेनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। अब डेनोमिनेटर तो मैंने आपको बता दिया, नीचे वाला जो आता है उसे हम डेनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देखना है इस सेट में कि जिसमें डेनोमिनेटर नीचे वाले सेम होंगे आपने उसको टिक कर देना। अगर आप सिर्फ नीचे वाला चेक करो, अलग है ना, ये डेनोमिनेटर अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, इसको चेक करेंगे तो डेनोमिनेटर सेम है ना, 7, 7, 7, तो ये टिक हो जाएगा, ठीक है। और ये भी डिफरेंट है डेनोमिनेटर, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, 2 है, सेम तो नहीं है ना। तो यानी लाइक फ्रैक्शन हम उसको बोलते हैं जिसमें डेनोमिनेटर सेम होंगे। तो ये डेनोमिनेटर आपके सेम थे तो हमने इसको टिक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका, एंड सर्कल ऑल प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं बेटा, इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर फ्रैक्शंस अ फ्रैक्शन हूज न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डेनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कि ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डेनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डेनोमिनेटर की तुलना में तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इनमें चेक करेंगे तो यहाँ तो न्यूमरेटर बड़ा है ना, तो न्यूमरेटर इसको चेक करो, डेनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, उसको हम सर्कल कर देंगे। अगर आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है और डेनोमिनेटर छोटा है, तो हमने सर्कल बेटा सब चेक करने हैं। आप क्या करते हैं, सिर्फ एक को सर्कल करते हैं, बाकी आप चेक नहीं करते हो, सारे चेक करने हैं जहाँ आपको लगता है। जैसे इसको चेक करेंगे हम, एक एक डिजिट को, एक एक नंबर को ऐसे चेक करेंगे जो आपको दे रखा है सेट,
यहाँ दे रखा है, तो देखो डेनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिरेटर छोटा है, तो न्यूमिरेटर छोटा है तो न्यूमिरेटर छोटा होना चाहिए, उसको हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से जो जहाँ पे न्यूमिरेटर छोटा था डेनोमिनेटर की तुलना में, उसको हमने सर्कल कर दिया। तो इस तरह से हमारे ये आंसर बने। अगर हम इसे चेक करेंगे तो यहाँ पर जो डेनोमिनेटर है वो बड़े हैं और जो न्यूमिरेटर है छोटे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन, एंड सर्कल और ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा। ठीक है, इसमें क्या होगा, उसमें न्यूमिरेटर छोटा होना चाहिए था और उसमें न्यूमिरेटर बड़ा होना चाहिए देन द डेनोमिनेटर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिरेटर इज इक्वल, इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों न्यूमिरेटर मान लो 2 है, डेनोमिनेटर भी 2 हुआ। ठीक है, तो इक्वल भी हो सकती हैं और ग्रेटर देन द डेनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे न्यूमिरेटर छोटा, डेनोमिनेटर छोटा है और न्यूमिरेटर बड़ा है, तो आपने ध्यान रखना है डेफिनेशन को कि किसको इम्प्रॉपर बोलते हैं और किसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें डेनोमिनेटर जो, न्यूमिरेटर जो बड़ा होगा हम उसको सर्कल कर देंगे। तो इसमें से हमने छांटे और जहाँ पे हमें लगा कि न्यूमिरेटर बड़ा है देन द डेनोमिनेटर, उसको हमने सर्कल कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ एंड सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन बेटा किसको बोलते हैं? फ्रैक्शंस विद न्यूमिरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। जिसमें न्यूमिरेटर 1 होगा बस, वो आपके यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। आपने ऊपर चेक करना है, बस न्यूमिरेटर 1 होना चाहिए। यहाँ पे न्यूमिरेटर 5 है तो ये तो नहीं हुआ ना, या ये देखो 1 है न्यूमिरेटर, यहाँ पे भी 1 है, बस आपने न्यूमिरेटर को चेक करना है, जहाँ जहाँ 1 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपके हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करवाती हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। ए पार्ट देखो, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डेनोमिनेटर इज कॉल्ड डैश फ्रैक्शन। हमने किया कि न्यूमरेटर जो है डेनोमिनेटर की तुलना में लेस यानी छोटा होगा तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, बी इन एन इन प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर विल बी डैश देन द डेनोमिनेटर। इम्प्रॉपर में हमने कर ही लिया कि जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर की तुलना में क्या होना चाहिए? ग्रेटर यानी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सी पार्ट आपका, फ्रैक्शन हुज न्यूमिरेटर इज 1 इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। जिसका न्यूमिरेटर 1 होगा उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, देन उसके बाद डी, फ्रैक्शन हुज न्यूमिरेटर इज इक्वल टू द डेनोमिनेटर रिप्रेजेंट द नंबर। यानी कि मान लो न्यूमिरेटर भी, न्यूमिरेटर जो है डेनोमिनेटर के इक्वल है। मान लो न्यूमिरेटर 2 है और डेनोमिनेटर भी 2 है। ठीक है, तो जो उसको कट कर लेंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, तो 1 ही आया ना, तो रिप्रेजेंट कौन सा नंबर रिप्रेजेंट होगा बेटा? 1। ठीक है, देन ई, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्सड नंबर। ठीक है, ये आपका दे रखा है यहाँ पर, द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स नंबर। इस तरह से जो नंबर होते हैं, जब आप वर्कशीट ये करेंगे बेटा तो ये वाला पेज, ठीक है, ये वाला पेज और ये वाला पेज, तो ये एक बार आप उसको रीड ज़रूर कर लेना। ठीक है, देन उसके बाद आपका एफ पार्ट, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज डैश देन 1। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? ग्रेटर, वो तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रेटर होना चाहिए ना, देन 1 बड़ा होना चाहिए। एंड जी, अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज डैश देन 1, तो लेस छोटा होना चाहिए। बस ध्यान रखना प्रॉपर में लेस आता है एंड इम्प्रॉपर में ग्रेटर। ठीक है, देन सेवन्थ, एंड सर्कल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन ईच सेट ऑफ फ्रैक्शन। इसमें बेटा आपको ऐसे दे रखा है ना, तो आपने इसमें से चूज़ करना है कि किसको काटने पर आपका 1/2 है, तो ये आपको दे रखा है, तो इसमें 1/2 आए। तो जैसे अगर आप इसको काटेंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, मतलब सेम टेबल में कटना चाहिए ना, 1/2 आ जाएगा ना, इसको नहीं का, इस ये तो नहीं कटेगा। देन उसके बाद 6/12, तो 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 1/2 आ गया ना, तो जिसका इसको सॉल्व करने पर 1/2 आए, तो ये भी नहीं कटेगा। देन उसके बाद 3/6, तो 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है ना आपको, तो आपने उनको क्या कर देना है, सर्कल। नेक्स्ट इसी तरह 2/3, तो ये दे रखा है, आपने काट के देखना है, क्योंकि जिस टेबल पर ये कटेगा उसी टेबल पर ये कटेगा, तो 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, 2/3।
ठीक है, ये भी नहीं कटेगा। तो मतलब जिसको ऐसे कट करने पर सेम आ जाए ना 2/3 सेम जो आपको दे रखा है, आपने ये चेक करना है और उसको क्या कर देना है एंड सर्कल। देन 1/4, तो इस वजह से चेक करना है कि किस तरह से आपका 1/4 आ सकता है, वो जिस पे आ जाएगा वो आपने एंड सर्कल कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो डी पार्ट है इसमें भी आपने इसी तरह से जज करना है। ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आपने मुझे बताना है, तो मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, फिर खुलने में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आपने इनको करना है, समझना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।